क्वेश्चन नंबर 5, इट इज स्टेप 13, 14, 15। एक्टिविटी 2, द क्लास गोज फॉर अ पिकनिक। क्लासरूम पिकनिक पर जाते। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, चलो घूमने जाते हैं, सफर पर जाते हैं। यस वी वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक, हाँ हम घूमने जाना चाहते हैं, चलो चलते हैं। कैन वी गो फॉर अ पिकनिक प्लीज़, क्या हम मुसाफिरी करने जा सकते हैं प्लीज़ टीचर। प्लीज़ टीचर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, प्लीज़ टीचर चलिए मुसाफिरी करने। ओके लेट्स गो, ठीक है चलो चलते हैं। सो द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। इस तरह पांचवी क्लास के बच्चों ने मुसाफरी यानी सफ़र पर जाना का फैसला किया। दे लुक अ बस एंड वेंट टू सुंदरवन। जो बस थी वो सुंदरवन पहुंची। इट इज़ अ पिकनिक स्पॉट इन द जंगल। ये जंगल के अंदर घूमने की एक जगह है। All of them got down from the bus. सभी बस में से नीचे उतरे। They started to walk towards the jungle. और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे। Suddenly it started raining. अचानक वहाँ पर बरसात पड़ने लगी। They saw a building in front of them. उन्होंने वहाँ पर सामने एक मकान देखा। दे रैन टूवर्ड्स इट, और वो दौड़कर उस तरफ भागे। द डोर वॉज ओपन, और दरवाज़ा खुला हुआ था। दे एंटर्ड, और वो अंदर दाखिल हुए। इट वॉज़ अ वेरी डर्टी हाउस, और ये बहुत ही गंदा ख़राब घर था। They could not see anybody inside. और उन्हें अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। They shouted. सब चिल्लाने लगे। Hello anybody there? टीचर ने कहा, क्या कोई यहाँ पर है? Hello anybody there? एक स्टूडेंट ने कहा, क्या कोई यहाँ पर है? It's raining. बरसात पड़ रही है। कैन वी स्टे हेयर फॉर सम टाइम, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? यस आई थिंक नो बडी इज देयर, हाँ यहाँ पर शायद कोई नहीं है। लेट्स स्टे हेयर फॉर सम टाइम, चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। बट मैडम द हाउस इज सो डर्टी, लेकिन टीचर ये घर तो कितना गंदा है। लेट्स क्लीन इट, चलो बच्चों इसे साफ करते हैं। फोर ऑफ योर क्लीन द किचन, चार लोग किचन साफ करो तुम लोग। फोर ऑफ यू क्लीन दिस बिग रूम, और बाकी के चार ये जो बड़ा सा हॉल जो फर्श है उसे साफ करो। स्वेप द फ्लोर, अच्छे से सफाई करना पोता मार के। आई स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श को साफ करूँगा। पप्पी स्वेप द फ्लोर, पप्पी जो है वो फर्श को साफ करने लगा। धज धे क्लीन द रूम, और सभी ने इस तरह फर्श साफ कर लिया।